क्या आपको पुलिस ने बुलाया है? ये कह के कि भाई आजा, तेरे नाम की कंप्लेंट चालू है, हम बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। तो जाने से पहले मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल देने की कोशिश की है कि एक्चुअली ऐसे केसेस में मैक्सिमम पुलिस स्टेशन में क्या होता है। इसीलिए मेरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाय व्यूअर्स, वैसे तो आपको पता ही होगा कि चंद लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से सारा का सारा पुलिस महकमा बदनाम हो जाता है। बिल्कुल हाल ही में एक मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों पहले मैं एक पुलिस स्टेशन विज़िट करने के लिए गई थी मेरे क्लाइंट के थ्रू। उसके अंदर जो मैंने पाया वो मैंने आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, इस मैटर के अंदर क्या हुआ था कि एक हस्बैंड को पुलिस ने कॉल किया ये कह के कि भाई तेरी वाइफ ने तेरे अगेंस्ट में कंप्लेंट किया हुआ है, तू आ जा। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि जब भी आपको पुलिस कॉल करे तो प्लीज़ आप ऐसे मत जाइए, पहले पुलिस से कहिए कि नोटिस इशू करे, उसके बाद ही आप जाइएगा। इस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया, आप प्लीज़ उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। लेकिन उस बंदे ने गलती क्या की कि वो वैसे ही चला गया पुलिस से मिलने के लिए। पुलिस ने उसे खूब डराया, खूब धमकाया। यहाँ पर फीमेल जो उसकी वाइफ थी जिसने कंप्लेंट की थी वो भी वहाँ पर आई हुई थी। उसके साथ साथ उसने महिला मंडल की कुछ औरतों को भी लाई हुई थी, जहाँ पर खूब जम के हंगामा हुआ। पुलिस ने उससे कहा कि भाई देख, ये तेरी वाइफ, तुझे उसे घर लेके जाना पड़ेगा, वापस ले जाना पड़ेगा, और अगर तू इसे घर वापस नहीं लेके जाता तो मुझे 498A रजिस्टर करना पड़ेगा तेरे अगेंस्ट में। ये सुनकर उसके तो होश उड़ गए, वो गया पुलिस के पैर पकड़ गया और उससे पैसे देने लगा, उसे गिफ्ट देने लगा कि साहब प्लीज़ मेरा मैटर को कुछ भी कर दीजिए, मुझे इस औरत को अपने पास रखना नहीं है क्योंकि मेरे से 3 साल मेरे से अलग रही है, तो अब मैं क्या भरोसे पे इसको अपने साथ रखूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के अंदर कुछ क्लैशेस हो जाते हैं, हस्बैंड नहीं चाहता कि वो वाइफ उसके साथ वापस रहे। ये जो मामला है कि वो कोई रहना चाहे नहीं रहना चाहे, ये सिविल कोर्ट का मामला है, फैमिली कोर्ट का मामला है। इसके अंदर पुलिस को इस मामले में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए कि क्राइम कहाँ तक हुआ और उस क्राइम को किस तरीके से रोका जा सकता है। जब क्राइम सीधे ही नहीं हो रहा है तो उस मामले में पुलिस को अपने इस मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हालांकि कुछ गाइडलाइंस हैं 498A रजिस्टर करने से पहले, जिसके अंदर ये कहा गया है कि म्यूचुअल सेटलमेंट की ज़रूरत होती है और ये लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस पुलिस को उसने बहुत मिन्नत समाजत की, तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तू कल वापस आ जाना अपने पूरे फैमिली के साथ स्टेटमेंट रजिस्टर कराने के लिए, तेरा स्टेटमेंट रजिस्टर कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक रिपोर्ट बना के डाल दूंगा कि भाई ये मैटर जो है 498A के लिए फिट नहीं है, आपको जाना है तो आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। याद रखिएगा इसने पुलिस ने क्या कहा था कि मैं रिपोर्ट बनाऊंगा कि वो कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और ये मामला दिस इज़ नॉट अ फिट केस फॉर द 498A। उसके बाद पता नहीं उस बंदे को क्या सूझा, उसने मुझे अप्रोच किया और कहा कि प्लीज़ मैडम ज़रा ये मैटर के अंदर मेरे साथ चलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पुलिस मुझ पे FIR दर्ज कर दे, तो उस वक्त मुझे कोई लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मेरे साथ चलिए। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या तुझे नोटिस मिली थी, तो उस बंदे ने कहा मुझे कोई नोटिस नहीं मिली थी। तो मैंने तुरंत एक एप्लीकेशन फाइल ड्राफ्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट, के उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया सबसे वन कि हमें नोटिस इशू कीजिए बिफोर कॉलिंग अस इन अ पुलिस स्टेशन, नंबर टू कि जो भी कंप्लेंट उसने फाइल किया है, जो कॉपीज़ फ़ाइल की है पुलिस स्टेशन के अंदर, वी नीड वन कॉपी ऑफ दैट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे अगेंस्ट में क्या एलिगेशन है, तो हमें उसकी कंप्लेंट की एक कॉपी दीजिए। ये एक मैंने एप्लीकेशन बनाकर मैंने पुलिस स्टेशन के डिपार्टमेंट में फ़ाइल किया। देखिए, आप जब भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर उनका एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट को डिस्पैच डिपार्टमेंट कहते हैं। उस डिस्पैच डिपार्टमेंट में आप जाकर उस अपनी एप्लीकेशन दीजिए और उसकी एक और कॉपी अपने साथ रखिए और उसके ऊपर स्टैम्प मारकर साइन कर डेट और टाइम डाल के वो लोग आपको रिटर्न करते हैं सेकंड कॉपी को, जिससे ये प्रूफ होता है कि आपने वो एप्लीकेशन उस डिपार्टमेंट में फ़ाइल कर दी है। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद वो पुलिस वाला आया जिसने मेरे क्लाइंट को बुलाया था। मैं मेरे क्लाइंट को नहीं ले गई बल्कि मेरे क्लाइंट के दूसरे रिश्तेदार को लेके गई। पता है जब वो पुलिस वाला आया तो उसके हाव भाव कैसे थे, पहले तो वो यूनिफॉर्म में नहीं था, उसके हाव भाव थे। उसने सीधा फ़ोन किया
उस फीमेल को, यानी कि उसकी वाइफ को, मेरे क्लाइंट की वाइफ को, और कहा कि आप आ जाइए, ये लोग आ गए, और वो आपके जो महिला मंडल वाले ना उनको भी साथ में लेकर आइएगा। मुझे आप एक बात बताइए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है कंप्लेनेंट का, यानी कि उसकी वाइफ का और एक्यूज का और उसकी फैमिली का, यानी कि मेरे क्लाइंट्स का, तो इसमें महिला मंडल वाले क्या करेंगे? वो महिला मंडल वाले को क्यों बुलाया है? इसके बाद तो और शॉकिंग न्यूज़ मुझे पता चला कि वो बंदा उस वक्त ड्यूटी पे नहीं था क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो चुका था। मैंने उससे कहा कि भाई अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो आपके पास जो कंप्लेंट की कॉपी आई है आप मुझे उसकी कॉपी तो दीजिए। मैंने ये एप्लीकेशन भी डाल दिया, मैंने उसे एप्लीकेशन जो मैंने डाला था जिसके ऊपर बाकायदा स्टैंप एंड सिग्नेचर थे वो दिखाया, उसकी तो हवा ही उड़ गई। उसने कहा कि मैडम ये एप्लीकेशन, ये जो कंप्लेंट डाला है ना इसने, वो मेरे पास आया ही नहीं है क्योंकि अभी ये कंप्लेंट किसी को असाइन ही नहीं हुई। समझे आप? यानी कि ये मैटर के अंदर ये बंदा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही नहीं था, ये तो सिर्फ इस मामले का फ़ायदा उठा रहा था, दोनों को बुला रहा था। पता नहीं महिला मंडल से इसकी क्या साझगाड़ थी, ये बुलाकर डरा धमकाकर सिर्फ मेरे क्लाइंट से पैसे निकलवा रहा था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसे किसी भी मामले में सीधा मुंह उठाकर आप पुलिस स्टेशन में चले जाइए और साहब ले लीजिए। दोनों हाथों से आप पुलिस को खिलाते हो, तो इसीलिए पुलिस को दोनों हाथों से खाने की आदत पड़ गई है। मैं सारे पुलिस की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ पुलिस वाले हैं जिन्होंने पूरे महकमे का नाम बदनाम कर रखा है। ना ही आप इसे किसी कॉल में जाइए और ना ही किसी पुलिस वाले को ब्राइब करने की कोशिश कीजिए। जो भी कीजिए लीगली कीजिए। नोटिस आया तो ठीक है, हम नोटिस के ऊपर हम एक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करनी तो हम एंटीसिपेटरी बेल भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऐसे ही जाके अगर आपको मिलना, आप ऐसे जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से और एक मैटर हुआ जिसके अंदर दो लोगों का काउंटर क्लेम था। ये तो प्योरली सिविल मैटर था, यहाँ तो हस्बैंड वाइफ का मैटर था, यहाँ तो बिजनेस रिलेशनशिप थे। एक बंदे का दूसरे बंदे से पैसा बनता है, दूसरा बंदा कहता है कि नहीं भाई मैंने इनसे ज़्यादा सर्विसेज दिए तो इसीलिए इनको और एक्स्ट्रा पैसा मुझे देने का क्लेम एंड काउंटर क्लेम ऑफ द मनी। यह मैटर के अंदर पुलिस कॉल करती है मेरे क्लाइंट को और मेरा क्लाइंट भी ये सारे प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुझे कॉल करता है। वो कॉल करने के पहले वो पुलिस स्टेशन गया था, सुबह से लेके शाम तक पुलिस ने सिर्फ उसे बिठा के रखा पुलिस स्टेशन में, ना ही उसका स्टेटमेंट लिया, ना ही ये बताया कि भाई उसने FIR दर्ज करने वाला है या नहीं करने वाला, अगर कर रहा है तो कौन से सेक्शन में करने वाला है। सिर्फ बोला भाई आप इनके पैसे दे दो। उसे पूछा भाई तुम्हारा क्या बनता है, भाई मेरा इनसे इतना पैसा, ठीक है आप इनका पैसा दे दो, मैटर सॉल्व कर दो। बस इतना कह के सिर्फ उसे दिन भर बिठा कर रखा। देखिए प्लीज़ आप ऐसे चक्कर में मत पड़िए, जब भी कोई कॉल आता है तो आप एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कीजिएगा, साहब आप हमको नोटिस भेजिए, हम आने को तैयार हैं। इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूँगी। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।